फ्रेंचाइजी ऑफ जॉकी। जॉकी के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे, काफी सारे लोग जॉकी के प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। बेसिकली इसका अंडरवेयर आता है, बनियान आता है जिसको गंजी भी बोलते हैं, एंड लेडीज सेक्शन में भी उनके ब्राज, पैंटीज एंड वेरियस टाइप के और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, ट्रंक्स भी आते हैं, बहुत टाइप की चीजें इसमें आती हैं, टी शर्ट भी आती हैं। तो यानी प्रोडक्ट रेंज जॉकी का बहुत ही अच्छा है। बात करें अगर ब्रांड की तो जॉकी ब्रांड आज से 20-25 साल पुरानी ब्रांड है, एंड अगर इंडिया में वो फ्रेंचाइजी की बात करें तो इंडिया में फ्रेंचाइजी लगभग पिछले 15 साल से वो दे रही है। अभी के डेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ्रेंचाइजी की बात की जाए तो लगभग 150 से 200 इनके स्टोर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में ओपन हो चुके हैं। ब्रांड का रिटेंशन बहुत ही अच्छा है, यानी कि एक बार कोई पर्सन जॉकी का प्रोडक्ट अगर यूज कर लेगा तो वो बार बार यूज करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट का क्वालिटी ऐसा है, इसका ड्यूरेबिलिटी भी ठीक है, एंड जो इसका जो फैब्रिक है वो सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का आता है। तो इसमें एक बार अगर कस्टमर आए तो बार बार वो लेना चाहेगा, ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा। तो ये एक अच्छी बात है किसी भी ब्रांड के सक्सेस होने का। अब बात करते हैं कि फ्रेंचाइजी के लिए क्या करना होगा। देखिए, ये कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल पे ही अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर रही है। देखिए, दो तरीके से ये फ्रेंचाइजी दे रही है। सबसे पहला मॉडल है कि अगर आपका पहले से ही कपड़े का दुकान है, शॉप है, मॉल है, कुछ भी है, तो आप सीधा आप प्रोडक्ट लीजिए एंड सेल आउट कीजिए, दैट्स द होल थिंग। ये कंपनी की तरफ से आपको कर दिया जाएगा, तो पहला मॉडल ये होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो शुरुआती का बहुत टाइप का कॉस्टिंग है वो आपका बचेगा। दूसरे नंबर का क्या चीज आता है कि अगर आपका कोई इस तरीके का शॉप नहीं है लेकिन आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम 1000 से लेकर 1200 स्पेस या उससे ज्यादा स्पेस तक का आपको एरिया चुनना होगा। दूसरी बात की जाए अगर लोकेशन की, तो लोकेशन आपको मेन मार्केट में रखना होगा, क्योंकि जॉकी का स्टोर इधर उधर अगर आप रखेंगे तो बिक्री आपका कम होगा, एंड बिक्री कम होगा तो आपको नुकसान होगा। इसलिए मेन मार्केट में आपको रखना है। मॉल में अगर जगह मिल जाए तो फार बेटर, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। या अगल बगल 4-5, 10-8 मॉल हो और वहां पे एक जगह खोलने को मिले तो ये ज्यादा अच्छा है। या कोई मेन मार्केट हो तो उसको बीच में जगह पे मिले जहां आसपास कपड़े का शॉप हो। बात अगर की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट काफी हेवी लगता है क्योंकि ये प्रीमियम ब्रांड है। प्रीमियम ब्रांड में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही ज्यादा लगता है, लगभग 45 से 50 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट इनिशियली लगेगा। एंड इतना क्यों लगेगा? क्योंकि सबसे पहला तो जॉकी अपने ब्रांडिंग पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्शस है, ध्यान देता है। इसका ब्रांडिंग आप देखिएगा, पूरे इंडिया के किसी भी स्टोर में आप जाएंगे तो फील नहीं देगा कि गलती स्टोर में घुस गए, ऐसा लगे कि यार सेम टू सेम तो दूसरे का भी देखे थे। यही एक खासियत होता है किसी भी ब्रांड का। तो वो अपने ब्रांडिंग को अच्छे से करता है, इंटीरियर पर मेहनत करता है। तीसरी बात, आपको उतना का स्टॉक आपको प्रोवाइड कर देगा, चूंकि 1000 स्क्वायर फीट का अगर स्पेस रखा जाए और सिर्फ अंडरगारमेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को बेचती है जनरली, अगर मैं हाफ पैंट इन सभी को छोड़ दूं तो ज्यादातर उसी टाइप का बेचता है, ठंड से रिलेटेड भी चीजों को वो बेचता है। तो इस टाइप की चीजों का आपको हेवी स्टॉक्स रखने होंगे, तब जाके आपका शॉप चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए इसमें ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट शुरुआती में ये करवाती है कंपनी। बात की जाए प्रॉफिट मार्जिन की, सबसे बड़ा चीज तो यही है कि आप इन्वेस्टमेंट करा लो, प्रॉफिट कितना कराओगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी कपड़े का बिजनेस हो, ज्यादा से ज्यादा 25% से 30% तक का मार्जिन आपको मिलता है। चूंकि ये ब्रांडेड है तो इसमें आप बहुत ज्यादा, आपको एक्स्ट्रा स्कोप नहीं रहता है, चूंकि जिसमें प्राइस टैग नहीं है उसमें आप मनमानी कर सकते हो, लेकिन प्राइस टैग जहां पे फिक्स है वो भी वो QR कोड से स्कैन है, तो आप 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं चार्ज कर सकते हैं, यानी कि जो कंपनी ने फिक्स कर दिया कमीशन उतना ही आपको मिलेगा। एंड चूंकि इसका बिलिंग सेंट्रलाइज होता है, इनके बिलिंग सॉफ्टवेयर पे होता है, तो आप 1 रुपया का चोरी भी नहीं कर सकते, ये बात ध्यान दीजिएगा। बात की जाए सपोर्ट की, तो कंपनी आपको पूरा का पूरा इनिशियल सपोर्ट वो प्रोवाइड करती है, वो चाहे स्टाफिंग से रिलेटेड हो, आपको पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाता है, आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर को वो प्रोवाइड करवाती है, इसके अलावा ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ भी आपका स्टोर ओपन होगा वो चीज़ कंपनी ऑनलाइन मार्केटिंग ऐसा करती है कि वो दिख जाएगा कि जॉकी का स्टोर कहाँ पे अभी नया नया खुला, वो दिख जाएगा। आप कहीं भी सर्च कीजिए जॉकी स्टोर नियर मी या जॉकी स्टोर एंड जो एरिया है उसका नाम डालिए, वो तुरंत दिख जाएगा, वो चाहे नया हो या पुराना हो। तो इस चीज़ का बेनिफिट होता है, जो जॉकी ब्रांड है वो इसीलिए तो जाना जाता है, और इसीलिए इतना इन्वेस्टमेंट भी प्रॉफिटेबल है, तब तो इतने 150-200 स्टोर्स खुले हुए हैं अभी के डेट में। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है jockey.in/franchisee, कॉम क्यों नहीं है? क्योंकि ये विदेशी कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी है, ये इंडिया में फ्रेंचाइजी रूट से काम कर रही है, ठीक है, इसीलिए कॉम नहीं है लगा हुआ।
jockey.in फ्रेंचाइजी, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो राइट हैंड साइड में आप देखिए फ्रेंचाइजी क्वेरी से रिलेटेड पूरा डिटेल आपको दिया गया है। इसको ध्यान से भरना है, क्या आपके लोकेशन खुद का है? नहीं। क्या आपका कारपेट एरिया स्टोर का 1000 से 1200 स्क्वायर फीट का बीच का है या 1200 से 1400 है या 1400 से ज़्यादा है, वो आपको देख लेना है। ऐसे ऐसे करके आपको अमाउंट को टिकआउट कर देना है कहाँ से आपने लिया था। तो यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट डाल के हमारे चैनल का नाम डाल दीजिएगा एंड बाद बाकी ये आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेंगे, वो सारे डिटेल्स आपको भरने हैं एंड सबमिट कर देना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कंपनी की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा, जो भी आपने डिटेल्स डाले हैं उसको वेरीफाई किया जाएगा। अगर आप सही कैंडिडेट लगे, आपके पास इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है, आपका बैकग्राउंड ठीक है, तो कंपनी की तरफ से मास्टर फ्रेंचाइजी जिसने भी लिया होगा वहाँ से स्टाफ आके प्रॉपर वे में विजिट करेंगे। जॉकी के जो ऑफिशियल स्टाफ रहेंगे सेल्स वाले, वो आके विजिट करेंगे, वो सारा कुछ देख लेंगे कि हाँ ओके है देने लायक। फिर वो आगे का प्रोसेस होता है, वो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बाद बाकी पेमेंट ही मेन है, पेमेंट जैसे लिया उसके बाद वो स्टोर में ब्रांडिंग ये वो सारी चीज़ें वो शुरू कर देते हैं। तो बेसिक इसका लेने का जो प्रोसेस है वो कुछ यही है। प्रॉफिट मार्जिन मैंने आपको बता ही दिया। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि 40 से 50 लाख रुपया तो है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए आपको भारत सरकार की तरफ से एक लोन का स्कीम है, CGTMSE स्कीम। आप इस स्कीम के तहत 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक का लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जितना का आप लोन लेंगे उस लोन अमाउंट का 25% ही गिरवी रखना है। प्रॉपर्टी या कुछ भी आपको गिरवी रखना है, सिक्योरिटी या गारंटी जिसको बोलते हैं, 100% नहीं रखना है। बाद बाकी लोन में आपको 100% रखना पड़ता है। तो CGTMSE में आपको ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप CGTMSE स्कीम में लोन लेने के लिए जा रहे हैं, लोन लेने के लिए कुछ मेजर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसमें पहला नाम आता है DPR, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, चूंकि ये बड़े लेवल का लोन रहेगा। दूसरा हो गया MSME का रजिस्ट्रेशन एंड तीसरा हो गया इनकम टैक्स रिटर्न। ये तीनों ही डॉक्यूमेंट आप myprojectreport.com से आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि myprojectreport.com इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड इस लोन के डॉक्यूमेंटेशन के सेगमेंट में। वहां पर आपको 100% वेरीफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरीज की टीम है जो आपकी मदद करती है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर जाकर चेकआउट कीजिएगा। जॉकी वाले का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।